हेलो, मेरा नाम सत्यनारायण यादव, उम्र मेरी 55 इयर्स। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला और मैं ड्राइविंग की सर्विस करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। मेरा टॉपिक है निरोग रहना और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहना, मतलब बीमारियों को अपने हालात के ऊपर किस तरह से आदमी को निजात पानी है। इस तरह से मनुष्य जो है खान पान का ध्यान रखे और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहे। जिस तरह से जीव, कोई भी जीव है, वो अपने नियम कानून का पक्का पैदा होने से मरने तक पालन करता है, उसी तरह से मनुष्य को अपने पर्सनल नियम भी बनाने पड़ेंगे, या अपने माता पिता या पुराने दादा दादी उनसे सीखा जाता है। तो उनके साथ जब तक जुड़ के नहीं रहेंगे पुरानी पीढ़ियों के साथ में, तो हमको वो ज्ञान नहीं मिल पाता है। इस तरह से जो संस्कार जिनको बोला जाता है, वो संस्कार पीछे जो दादा दादी पुराने आदमी संस्कार देते थे किस तरह से जीवन शैली को चलाना है। दूसरा, मोटा अनाज का खाना और हो सके तो दिन दिन के अंदर ही भोजन किया जाए, सुबह दोपहर और शाम सूर्य की रोशनी के अंदर ही। रात्रि को भोजन करना निशाचर बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। और मोटा अनाज जो है हो सके उष्ण कटिबंध में, भारत जो पूरा प्रदेश भारत जो है उष्ण कटिबंध में आता है भूगोल के अनुसार। और ये जो है बारीक आटा जो है आंतों के चिपक जाता है आमाशय के, और तेल की मात्रा जो है कम, और तेल जो है अपने ही इलाके के होने चाहिए, सरसों मूंगफली तिल या नारियल जो अपने देश में पैदा होता है, बाहर का तेल अलाउड नहीं है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोई भी चीज़ का अलग अलग जगह के अनुसार होता है, और वो जो आदमी जिस जगह उस भोजन को ग्रहण करेगा वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए वो सूटेबल नहीं हो पाता है, वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अपनी जो है जीवन शैली को ठीक कर सकते हैं। और तो क्या होगा अपना पूरा आटा जो है मोटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक आटा जो है आंतों के चिपक जाता है, और मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। मनुष्य के पास जीवन कम है, हो सके तो जीवों की किसी की नकल करके अपनी जीवन शैली को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से जीव सुबह बैटरी चार्ज करते हैं 4-5 बजे उठ करके, सूर्यास्त के बाद में कोई जीव नहीं सोता है उदय होने के पश्चात, और मनुष्य सोता रहता है 9-9 बजे तक। उसकी ड्यूटियाँ इस प्रकार की होती हैं, भाई सो कभी भी, उठो सुबह जल्दी, और एक्सरसाइज और मेहनत करना चाहिए। शरीर के अंदर जो दम है उसको अपना बरकरार रखे, जो न्यूट्रॉन शरीर से निकालोगे उतने ही न्यूट्रॉन्स का भोजन करना चाहिए। जितनी कैलोरी का आप वर्क करते हो, अगर सीटिंग पोजीशन का वर्क करता है तो सीटिंग पोजीशन के अनुसार ही वर्क करना चाहिए, उतना भोजन ले कितनी कैलोरी का तो उसी हिसाब से भोजन करे। अगर उसको ज़बरदस्ती करोगे तो वो शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं से दिक्कत करेगा पचाने में, किडनी को, लीवर को, आमाशय को, छोटी आंत बड़ी आंत, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम को अंदर जो है उसको भोजन को क्या बोलते हैं पचाने में ताकत लगती है, मेहनत लगती है, तो उनके ऊपर लोड पड़ता अंगों के ऊपर, उनको रेस्ट नहीं कर पाता। दूसरा क्या है कि हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों में बताया गया है कि आप जो है उपवास करें, जब तक उपवास नहीं करोगे, उपवास करने से आदमी की जो अंदर के जो शरीर होते हैं वो रिपेयरिंग होते हैं, उनको रेस्ट मिल जाता है। उपवास करने जब भोजन नहीं करोगे तो उसको रेस्ट मिलेगा तो रिपेयरिंग होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से उपवास करने का पहले से लोग बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, ऋषि मुनियों ने बताया है सभी चीज़ों में, तो उपवास करना था हमेशा पेट में डालते रहना तो नुकसान पहुंचाएगा अंदर पचाने वाली मशीनों को। तो इस तरह से उसको कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार उपवास कर लेना चाहिए, और उसमें उपवास नहीं हो पाता तो उसको चेंज कर दो खाने पीने का, तो उसको भाई जूस ले लो या उसको फ्रूट ले लो या कोई और कुछ खा लो, लेकिन उस भोजन को चेंज कर दो,
भोजन चेंज करना ही एक बीमारी से बचाव है। एक ही चीज़ के पीछे लगा नहीं रहना चाहिए, पूरी ज़िंदगी पैदा होने से मरने तक एक ही चीज़ के पीछे उस भोजन में चेंजिंग कर दो, बदलाव कर दो, वो भी उपवास ही है। इस तरह से जीवन शैली को ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।